गांव की सिलाई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको 32 साइज का ब्लाउज कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये ब्लाउज का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े में कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा देखिए डबल फोल्ड है इस तरह। अब देखिए कपड़ा यहाँ से हमने आगे पीछे किया। अब हम लंबाई की नाप करेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए हमारा 14 इंच है। अब हम चेस्ट की नाप करेंगे, तो 32 इंच का दूसरा भाग 16 इंच। तो यहाँ पर हमने 16 पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से 3 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इस कपड़े को इस निशान तक ऐसे फोल्ड करना है। अब इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 14 इंच है, तो हमें यहाँ से 1.5 इंच कपड़े को और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब इसको भी हम काट कर निकाल देंगे, इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। अब देखिए यहाँ पर 32 का हमें एक भाग लेना है 8 इंच, और यहाँ से कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है हमारा। अब यहाँ पर हम शोल्डर की नाप करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, तो पॉइंट थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। आर्म होल 5 इंच पर झुकाएंगे, यहां से 1 इंच। अब इसको हम काट लेते हैं। अब इसको खोल लेते हैं। हमने जॉइंट था अलग कर लिया है। अब कम वाला हमारा पीछे का पल्ला है और ज्यादा वाला आगे का पल्ला है। तो सबसे पहले हम पीछे पल्ले में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मुड्ढे की पट्टी हम 3 इंच रखेंगे। गले की गहराई 10 थी, तो हम यहाँ सिलाई मार्जिन लेते हुए 10.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच, यहाँ पर हम 3 इंच गहराई रखेंगे। ये हमारा गला का निशान बन गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम आगे पल्ले में कटिंग करेंगे। यहां से देखिए 3 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 6.5 इंच पर कटिंग करेंगे। यहां से 1/2 इंच पेट को अलग करेंगे 12 इंच पर। अब इसको यहां से सीधा कर लेंगे। यहां से 1 इंच ऊपर ये बन गया बेल्ट पट्टी के निशान। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। यहां पर देखिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम टक्स के निशान डालेंगे। तो हमारा 8 इंच एक भाग था, तो यहाँ पर हम 8 इंच का एक भाग 4 इंच पर डॉट के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर, यहाँ से देखिए हमने 10.5 पर निशान लगाया है, और ये 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच।
ये चार प्लेट के निशान लग गए हैं। बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है आगे पल्ले की। अब इस कपड़े से हम बाजू को निकालेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 3 इंच है, तो हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 4 इंच का निशान लगाना है। तो कपड़े को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया और उसके बाद दोबारा से यहाँ हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह। फोल्ड करने के बाद हमें लंबाई नापनी है, 3 इंच की बाजू है तो 1 इंच सिलाई मार्जिन, यहाँ पर 4 इंच, दोनों साइड से हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह। मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह ये जो हमारा पीछे का पल्ला है आर्म होल को हम यहाँ से इस तरह रखेंगे और ये देखिए यहाँ तक, तो इस पे हमने निशान लगा दिया। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हमें देखिए 2.5 इंच डाउन करना है, तो हमने 2.5 इंच डाउन कर दिया है। अब यहाँ से हम एक अच्छी सी बाजू का शेप देंगे। तो ये हमारा बन गया बाजू का शेप। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब इसको खोल लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें गहराई को छाटना है। ये हमने गुलिक का निशान लगा दिया है। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब ये रहा ब्लाउज का कपड़ा। ब्लाउज के कपड़े को पहले हम अच्छी तरह खोल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा किनारे में ये प्लेन वाला बॉर्डर का सेंटर दिया है, तो इसमें से हम बाजू पहले निकाल लेते हैं। इसको ऐसे हम कपड़े को दोनों साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इस पे हम ऐसे बाजू को रख लेंगे। अब यहां से हम कटिंग कर देंगे। हमारी बाजू कटिंग हो गई है। अब इस कपड़े को हम फिर से इस तरह फैलाएंगे। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब इस पे हम पीछे वाला अपना पल्ला उठाकर इस तरह रखेंगे। अब यहां से हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये हमारे पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। कपड़ा थोड़ा सिल्की है। अब हम आगे पल्ले को भी रखकर कटिंग कर लेते हैं। इसकी भी कटिंग हो गई है। बेल्ट पट्टी को भी हम यहां से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट पट्टी निकल चुकी है। अब इस कपड़े से देखिए हम हुक पट्टी निकाल लेंगे। अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है। अब इस कपड़े से हम और भी पट्टी निकालना आपको बताएंगे। तो जब भी आप और भी पट्टी की कटिंग करें पाइपिंग के लिए, तो आपका कपड़ा और भी में होना चाहिए, इस तरह और भी में खिंचाव आना चाहिए, तभी आपकी गोल पाइपिंग अच्छी बनेगी। तो पहले हम कपड़े को ऐसे इस तरह सीधा फैला लेते हैं। अब इसे हमें तिरछा कट करना है, तो इसको यहां से सेंटर हम उठाएंगे। तो कपड़ा देखिए यहाँ पर हमारा तिरछा हो गया है, तनाव हो रहा है। 1 इंच या फिर 1.25 इंच की हमें पट्टी निकालनी होती है पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने और भी पट्टी की कटिंग कर ली है, और ये हुक पट्टी थी और ये हमारी आई पट्टी थी ब्लाउज के कपड़े की। तो यहाँ पर हमारे सारे कटिंग हो गए हैं। आपको हम 32 चेस्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पीछे का पल्ला था और ये हमारा आगे का पल्ला था, और ये थी नीचे की तीरा बेल्ट पट्टी, और ये थी बाजू, और ये हुक पट्टी, आई पट्टी और एबी पट्टी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको सारी कटिंग
स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से कटिंग करके समझाया है 32 चेस्ट ब्लाउज के लिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करके ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग के साथ बनकर तैयार होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।